सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और टाइम हो गया भाई साहब 5:55, मतलब कि 6 बजने वाले हैं। और आज हम वीडियो बनाने वाले अपनी बाइक से रिलेटेड है, बाइक के बारे में बताएंगे, जो कि हमारी ये स्प्लेंडर जो आप देख पा रहे हो ना, ये काफ़ी जगह जाके आई है। एक तो लद्दाख कंप्लीट कर दिया था 2021 में करा था। और इस साइड हमने स्पीति वगैरह लोगों वगैरह लगवाए हुए हैं, स्पीति वैली भी एक्सप्लोर करा था हम 2022 में करके आया था मैं। अभी 5 से 6 महीने हुए हैं स्पीति वैली करके आया हूँ। और ये उत्तराखंड भी गई हुई है, नेपाल भी गई हुई है बाइक, मतलब चार इसने लंबे टूर करे और छोटे मोटे तो होते रहते हैं। लगभग 80,000 किलोमीटर के आसपास ये बाइक चल चुकी है। और अगर आप 100cc लेके जाना चाहते हो लद्दाख या फिर कहीं और स्पीति वगैरह लेके जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। बस इसमें कमी कुछ नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप लद्दाख या स्पीति मतलब लॉन्ग राइड पे निकल रहे हो ना, जो कि जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो, तो एक बार अपनी बाइक का चेकअप जरूर करवा लें। जैसे कि आपकी जो भी बाइक हो, पल्टीना की है तो बजाज कंपनी में जाके, और आप लोकल अपना फ्रेंड वगैरह मिस्त्री जो होता है उससे भी आप चेक करवा सकते हो, क्योंकि वो भी आपको मतलब चेक करके देगा तो अच्छी भाई सब करके देगा। ऐसे तो नहीं अभी काम चलाओ कोई नहीं करता मिस्त्री, उसको बताओ भी मैंने बाहर जाना है तो वो आपको बता देगा। और ख़ासकर इसके टायर जो हैं, टायर तो नए होने चाहिए भाई, टायर इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ऑफ रोड वगैरह होता है, तो टायर खासकर होने चाहिए। और दूसरा नंबर इसकी जो लाइट है, लाइट आप चेक करवा लें। और मतलब कि अगर आपकी एलईडी तो ना डलवाएं, नॉर्मल लाइट जो होती है वही डलवाएं। और चारों इंडिकेटर जो होते हैं ना एक साथ ब्लिंक करते हैं तो वो भी होने चाहिए। मैंने कैश का ये स्विच लगवा रखा है बटन, तो चारों इंडिकेटर भी जलते हैं। बाई चांस अपने को रात हो जाती है तो चारों इंडिकेटर जलाने ज़रूरी है, कहीं पीछे से आकर कोई ठोक ना दे भाई। और टायर, जैसे कि टायर हो गए, और इसकी जो क्लच वायर है और ब्रेक वायर है ये भी आप चेंज करवा लें। ये चेंज करवाने से, और जो रेस वायर होती है ये चेंज करवाने से आपकी बाइक में ये फ़र्क पड़ेगा, एक तो रास्ते में कहीं दिक्कत नहीं देगी और मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। और रेस वायर जो है ना वो खासकर तो चेंज करवा ही ले। तो आपके जो ये ब्रेक लेदर होते हैं ना, जो यहाँ पे ब्रेक लेदर होते हैं, ये दोनों साइड के आप चेक करवा लें। अगर आपके ठीक हैं तो चल जाएंगे, अगर ठीक नहीं है, थोड़े बहुत भी घिसे लग रहे हैं तो आप चेंज करवा लें। ज़्यादा कुछ 100cc के तो मतलब ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते, सस्ते ही आते हैं तो आप डलवा लें, 100-120 रुपये के आते हैं। और अभी हमने अपनी बाइक का काम करवाया, जैसे कि देख सकते हो ये इंजन में, ये इसको बोलते शायद गैस किट वगैरह बोलते हैं, अभी फ़िलहाल मेरे को नाम तो पता नहीं, इसको शायद गैस किट वगैरह बोलते हैं। तो ये हमने चेंज करवाई है, लगभग 4,500-5,000 रुपये इस पर खर्चा आ चुका है। और अभी फ़िलहाल इसका मैं एक टायर डलवाऊँगा और एक इसकी बैटरी डलवानी है, छोटा मोटा और काम है, 2,000 रुपये और लगेंगे और अपनी बाइक हो जाएगी तैयार लद्दाख जाने के लिए। तो लद्दाख हम इसी पर करेंगे। और इस साइड हम एक मतलब कि हमें एक बैग रखना है, तो कैंपिंग का सामान है, काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाएगा, तो इस साइड हमने एक बैग रखना, तो कुछ लगवाना पड़ेगा जो कि बैग नीचे ना जाए, जो ऐसा है ना जो कि सेम ये जाली सी है, इस साइड भी कोई ना कोई जुगाड़ करवाऊंगा मैं। और जो ये आप अपनी सीट देख रहे हो ना, ये सीट पे भी मैंने एक एक्स्ट्रा काम करवाया, जो पहले वाली सीट थी वो मैंने मतलब कि ख़राब हो गई थी वो उतरवा दी थी, और ये इसके अंदर फोम लगवा के एक्स्ट्रा और एक कवर उतरवा दिया था। ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, ये मतलब दिक्कत करने वाली चीज़ नहीं है। तो इससे मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो मेरे को मतलब पेन वगैरह नहीं होता, तो ऐसी एक सीट वगैरह भी आप करवा लें अगर लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हो। और छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप एक्स्ट्रा लाइट लगवाना चाहते हो और एक्स्ट्रा कुछ करवाना चाहते हो तो वो आप करवा सकते हो। और फिलहाल तो अपनी बाइक के बारे में तो यही बताना था, अगर आप बाइक कोई सी भी लद्दाख ले जाना चाहते हो तो लद्दाख ले जा सकते हो भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो का भी यहीं पर ही एंड करते हैं, और छोटी मोटी बातें बतानी थी बाइक के बारे में, क्योंकि लद्दाख ले जा रहा हूँ ना तो बतानी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कर देना बाइक के बारे में या लद्दाख के बारे में, या कुछ आप पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हो। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।